नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। बरकी विधानसभा अंतर्गत ग्राम सगड़ा के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां बरगी से आने वाली नर्मदा नहर की स्थिति जर्जर हालत में होने से किसानों में भय का माहौल व्याप्त है। जहां किसानों का कहना है कि ग्राम सगड़ा में लगभग 2500 किसान हैं जो कैनाल के भरोसे अपनी खेती करते हैं। वहीं कैनाल जगह जगह से टूटी हुई है। वहीं जब बरगी से पानी छोड़ा जाएगा तो तब जर्जर कैनाल से निकले वाला पानी अनेकों किसानों के खेत में घुसेगा, जिसके चलते उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। वहीं किसानों का कहना है कि इसकी शिकायत उनके द्वारा इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी की गई थी, लेकिन आज तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं जर्जर कैनाल के कारण पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी खेती और बुवाई काफ़ी लेट हो गई है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जर्जर कैनाल की मरम्मत को दुरुस्त किया जाए, जिससे हजारों किसान समय पर अपनी खेती कर सके। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। रहने वाला हूँ, मेरा नाम घसीटा यादव। और कैनाल की बहुत दुर्दशा है, इरिगेशन डिपार्ट सुन रहा ई के भी फोन लगाए, ई साहब भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ इतनी ज़्यादा मरम्मत है, गड़बड़ है कि जा समझ लें कि मान लो आदि कैनाल खुलती है और तेज बहती है तो 50 एकड़ में पानी भर जाएगा, तो उसकी मरम्मत भी नहीं हो रही और टाइम टेबल से जो लोग सुन भी नहीं रहे। बह रहा है हल्का हल्का, वो कैसे बह रहा है? सीपेज का है। सीपेज का जी। और अभी कैनाल नहीं खोले तो किसान कितने प्रभावित होंगे इससे? इससे कम से कम 2500 किसान प्रभावित होगी। और फसल का लेट भी होगी, फसल लेट भी होगी, उपज भी कम मिलेगी। अभी जी कौन सा महीना चल रहा है? और जी अघन है, अपन अघन कहते हैं इसमें जी। बोनी कब हो जाती है? जब बोनी अपनी हम लोग कातक में होना चाहिए, पर 1-1.5 महीना लेट हो गई कैनाल के कारण। क्या चाहते हो आप शासन से? अपन जैसा चाहते हैं कि कैनाल की मरम्मत भी हो, टाइम टेबल पर पानी दें, जो कि ताकि किसानों को लाभ मिले। सुनना मूल्य घसीटा यादव, ग्राम सगड़ा झपनी। ऐसी खबरों बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।